हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग पूजा से। यहाँ पे मैं तुलसी, बेलपत्र, समी पत्ता, फूल जितने भी लगे हुए थे ऊपर नीचे वहाँ से मैंने ले लिए हैं पूजा करने के लिए। कभी घर के मिल जाते तो घर के चढ़ा देती हूँ, नहीं तो मार्केट के चढ़ा देती हूँ। नहीं होते तो कोई बात नहीं है, भगवान सब समझते हैं। यहाँ पे देखो पूजा हो चुकी है। एक कपूर ज़रूर जलाती हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम को। पूजा हो गई, भोले बाबा की पूजा गई। भोले बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। A few moments later. सीजन का शायद पहला गोभी है अभी। गोभी जब नया नया आता है ना तो खाने में अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो मैंने अच्छे से इसको कट किया और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने गर्म पानी रख दिया। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। पानी को पहले अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था और अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें गर्म पानी में मैं गोभी को ऐड कर दूँगी और 2-4-5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। वैसे तो अभी इसमें कीड़े वगैरह नहीं आ रहे क्योंकि नया जब गोभी आता है तो इसमें कीड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है। डाउट जो रहता है ना उसको क्लियर करने के लिए मैंने गर्म पानी में डाल दिया। इसके बाद मैंने इसको आलू और गोभी दोनों को मैंने ऑयल में फ्राई किया है। फिर से कढ़ाई रखूँगी, उसमें ऑयल डालूँगी, उसमें जीरा डालूँगी, फिर मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को फ्राई किया। उसके बाद इसमें बेसिक से मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची पाउडर, ये सब डाल करके। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी गोभी फ्राई किया हुआ। तो मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ ड्राई वाली। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर हम इसको ढककर के पका लेंगे। मैंने साथ में ही मूंग दाल भी बनाई थी। ये बन चुकी है सब्जी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था ऊपर से। मूंग दाल बनाई मैंने बहुत दिन के बाद और ये रही हमारी आज की थाली। यम्मी सी, टेस्टी सी और अच्छी भी है ना, हेल्दी भी है, घर का खाना है। तो दोस्तों लंच करने के बाद कोशिश की कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन नींद ही नहीं आई। फिर मैं उठ गई कि वही फेस्टिवल आ रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर दी थी क्विकली, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं सनस्क्रीन जो कि डेली ही लगाती हूँ, एक बार लगा चुकी हूँ मॉर्निंग में, फिर से लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्राइमर लिया है, प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर मैं मार्केट जाती हूँ तो ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी वगैरह होती है, तो मैं ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं लूँगी अपना मॉइस्चराइज़र और उसके साथ ही ऐड कर लूँगी थोड़ा सा मैं लैक्मे का सीसी क्रीम। कभी बीबी क्रीम, कभी सीसी क्रीम मैं लगा लेती हूँ और ये डेली नहीं लगाती हूँ मैं। कभी कभी जब मेरा मन करता है तो जैसे आज मेरा मन किया तो मैं आज लगा लेती हूँ, नहीं तो प्राइमर के बाद सीधा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद सीधा मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे, नेक पे भी कर लूँगी और फेस पे भी कर लूँगी। इसके बाद ये जो लिप टिंट है इसको मैं अप्लाई करूँगी एज ए क्या कहते हैं ब्लश, और इसी को मैं एज ए आई शैडो भी यूज़ करती हूँ, लिप्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, डायरेक्टली लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ मैं। और डेली में मैं यही लगाती हूँ, टिंट लगाती हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम बहुत लिपस्टिक लगाती हो, लिपस्टिक लगा के रहती हूँ, मैं टिंट लगाती हूँ और इसके बिना फिर अच्छा भी नहीं लगता है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर ले रही हूँ। आज जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर से हम इसको कवर कर लेंगे अपना पूरा जितना ये बेस मैंने बनाया है। और मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे रखे रखे एक्सपायर हो जाते हैं या मैं किसी को दे देती हूँ। अभी भी फ़िलहाल मुझ पर 2 रखे हुए हैं फाउंडेशन, लेकिन मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है हाईलाइटर यूज़ करना। इसके बाद आई शैडो पैलेट लिया है मैंने, इससे आईब्रो को फिल कर लूँगी। ये भी मैं डेली ही करती हूँ, जो नहीं करती हूँ वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, जो करती हूँ वो भी बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में मैं लगा लेती हूँ बिंदी। मैं बिंदी हमेशा छोटे साइज़ की ही लगाती हूँ, मुझे बड़े साइज़ की बिंदी कभी कभी लगाती हूँ बट मुझे ऑड लगती है अपने फेस पे क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा छोटा है ना इसलिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ काजल, काजल लगाया है मैंने। इसके बाद मैंने मर्जेंटा कलर की लिपस्टिक ली है जो कि मामा अर्थ की है, अच्छी है, क्रीमी है। इसको मैं लगा लेती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ना मेरी साड़ी में मर्जेंटा कलर है, तो सोचा कि चलो यही कलर लगाते हैं, बहुत दिन से लगाया भी नहीं है। तो इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी और ये अच्छे से लग जाती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत टाइम तक लगी रही थी, निकालना ही पड़ता है फिर मुझे। यहाँ पर मैं पहले कुछ और करने वाली थी, फिर मैंने यहाँ पर मस्कारा ही लगा लिया कि चलो ठीक है, आईलेसेस अच्छी दिख रही थी, मैं फेक आईलेसेस लगाने वाली थी। इसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई, रिमूव कर लिया था पहले ही तैयार होने से पहले, और अभी पूरा तैयार होने के बाद मैंने नेल पेंट लगाई क्योंकि नेल पेंट लगाती हूँ जल्दी जल्दी में ख़राब भी हो जाती है जल्दी ही। तो बस यहाँ पे ये हेयर एसेसरीज़ है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर दिखता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जब कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आएगा ना तो फिर आप यही लगा लो, इसको बन में भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया है, जैसे आपका मन करे। यहाँ पे ज्वेलरी में मैं पहन ले रही हूँ अपना नेक सेट, ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, बहुत ही सुंदर है
और बहुत सारे आउटफिट के साथ ये जाता है, वेस्टर्न के साथ भी जाता है, साड़ी के साथ भी जाता है और लहंगे के साथ भी जाएगा, तो अच्छा है। और इसके इयररिंग्स हैं और बस नेक पीस है, इतना ही है, इसमें मांगटीका वगैरह सब कुछ भी नहीं है, ना ही रिंग है। तो अब मैं आपको फाइनल अपना लुक दिखाती हूँ। और साड़ी रैपिंग वीडियो बहुत लोग मांगते हैं, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है, और कभी कभी तो मुझे आलस भी आ जाता है। तो ये देखो मैंने साड़ी जो है ऐसे पहनी हुई है, कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताना, साड़ी कैसी लग रही है, मैंने ड्रेप कैसे किया ये भी बताना, और कैसी लग रही हूँ मैं। ये था मेरा फटाफट वाला मेकअप, जो कि मैं जब भी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ फटाफट से ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ। और चलिए अब मैं वीडियो वगैरह शूट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी टाइम आप देख सकते हैं 6 बजने वाले हैं, अभी 5:30 5:45 हो रहे हैं, 5:45। तो अभी मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी, मैंने कुछ रील्स बनाई हैं और इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। तो आज की डेट है 12th of October, नवरात्रि आने वाले हैं, 2-3 दिन और रह गए हैं और 15th से है नवरात्रि स्टार्ट। तो घर जो है ना वो बहुत मैसी हो गया है, ठीक है, क्योंकि जब रील्स बनानी होती है ना तो घर को भी सेट करना होता है, घर एकदम से मैस है जो कि समेटा ही नहीं जा रहा है। रीज़न आप लोग जानते हैं, मैं बार बार क्या ही बताऊँ आपको, है ना, बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है और ना ही कुछ ब्लॉग वगैरह बनाने का मन कर रहा है, ना ही रील्स बनाने का मन कर रहा है, ना ही कुछ बनाने का मन कर रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे से कुछ रील शूट कर लेती हूँ। कपड़े कुछ बाहर डले हैं, मैंने वॉश किए थे, आज थर्सडे है, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कपड़े वॉश नहीं करने हैं। अच्छा, पोछा तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन कपड़े ना मैंने जल्दी जल्दी में भिगो दिए मैंने, क्योंकि मुझे हाथों से वॉश करने थे। अब जब भिगो दी तो फिर उनको वॉश तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्मेल आ जाएगी ना, तो फिर मैंने उनको वॉश कर दिया, क्योंकि मशीन तो नहीं लगाई थी, मशीन से नहीं वॉश किए थे, सिर्फ ऐसे मैंने फुदक के डाल दिए हैं। कुछ अभी बाथरूम में रह रहे हैं जिनको मुझे अभी डालना है, फैलाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दिन में, लेकिन सुबह शाम तो अच्छा ही मौसम हो गया है। कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, पहले सोच रही हूँ चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर मैं कुछ काम करूँगी, फिर चेंज करूँगी। थैंक यू मेरे साथ रील्स बनाने के लिए। ये देखो पूरा सिस्टम था, सेटअप था पूरा, अभी हटा देते हैं यहाँ से, है ना। और तो यार पता है, जब पता चल जाए ना कि आपको शिफ्ट करना है तो घर को क्या ही एक सा लगाए फिर, है ना, समझ नहीं आता। अभी चाय बना लेती हूँ, दूध तो खत्म हो रहा है, सुन रहे हो, थोड़ा सा ही है, थोड़ी थोड़ी बन पाएगी। अभी हमने ना दूध बंद कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने दूध वाले भैया को मना ही कर दिया था कि अब दूध मत देना, क्योंकि मैं भी चली गई थी घर, ये भी घर पे नहीं थे, आना जाना लगा था, और अब हम लोग सेट करेंगे तो फिर उनका हिसाब करना था और बंद ही कर दिया फिर मैंने। अभी हम लोग पैकेट लेके आते हैं कुछ दिनों के लिए, पैकेट से काम चलाएंगे, फिर जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाके फिर देखेंगे। बनाते हैं चाय, और किचन के थोड़े थोड़े डब्बे देख सकते हो अपना, जितने खाली होते जा रहे ना उनको मैं वॉश करती जा रही हूँ, जो नहीं हो रहे खाली उनको मैं बाद में देखूँगी। वो ये साड़ी लोकल मार्केट से है, इसका लिंक नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप लोग पूछेंगे दीदी इसकी इसका लिंक दीजिए, लेकिन इसका लिंक नहीं मिल दे सकती आपको, क्योंकि ये जो है ना ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। लेकिन इसका फैब्रिक, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आज सेकंड टाइम पहनी है और वीडियोज़ के लिए ही पहनी है मैंने, दूसरी बार भी इसको, पहले भी वीडियो के लिए पहनी थी और अभी भी मैंने उसी के लिए पहनी, नहीं हरियाली थी जो पहनी थी पहले शायद मैंने, हाँ। गर्म गर्म चाय, चाय बन गई फाइनली, थोड़ी सी
थोड़ा सा दूध कम रहा लेकिन बना ली। तुलसी डाल के बनाई है मैंने। ये है मेरी चाय, ये है मेरी साड़ी और ये रही मैं। कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने बनाई सब्जी, फटाफट से बनाया खाना रात का, क्योंकि थक गई थी यार। और खाना बनाने में थोड़ा सा आलस तो आता है, जब सारी चीज़ें जो करते हो ना, वीडियो वगैरह बनाते हो उसके बाद में फिर कोई बोले कि किचन में जाओ खाना बनाओ, थोड़ा सा आलस आता है क्योंकि डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग है ना यार वीडियोज़ वगैरह बनाना। जैसे आप लोग है ना सीधा सुबह का खाना बनाया, शाम का खाना बनाया, बट हमको बीच में बहुत सारे काम करने होते हैं। बट मैं अभी जितना ही कुछ मैंने पहना था ना, सब कुछ मैं ऐसे ही रूम में डाल के आई हूँ, उसको मैं बाद में फोल्ड करूँगी। सीधा मैंने भगवान जी की आरती वगैरह की और अपना खाना मैं बिजी हो गई। तो आज मैंने बैंगन बनाया है, बैंगन की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बैंगन बना लिए हैं और बस रोटियाँ बना रही हूँ। यही सिंपल सा खाना बनाया था, लेकिन बैंगन कभी कभी बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मैं कोई बोले ना डेली डेली, तो डेली डेली नहीं खा सकती। मुझे बैंगन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बैंगन आलू की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी। और मुझे बैंगन का भरता अच्छा लगता है, जो कि सर्दियों में बनाया जाता है ना, गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारी थाली, मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई की थी। इस वाली मिर्ची की रेसिपी किस किस को चाहिए ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो ब्रेकफास्ट किया, उसमें मैंने दूध दलिया बनाया था और उसके बाद हमने लंच किया। लंच में कल की सब्जी बच गई थी, उसके साथ हमने पराठे बनाए, बैंगन की सब्जी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, वो खाया। साथ में थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। और अभी हम निकल रहे हैं कहीं बाहर काम से, जो कि बीच का मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए। उन्होंने अचानक से बोला कि चलो जल्दी से चलते हैं और फिर फटाफट से लौट के भी आना। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना बाहर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस टाइम की धूप ना बहुत तेज़ होती है, क्योंकि कपड़े अपड़े सुखाने होते हैं ना आपको बाहर, तो इस टाइम की धूप होती ही बहुत ज़्यादा तेज़ है। और सुबह शाम तो सर्दी लगने लग गई है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। अभी जहाँ हम लोग गए थे वहाँ में 2.5 से 3 घंटे हमारे ख़राब हो गए हैं, मतलब काम करने ही गए थे, वहाँ से वापस हम लोग आ रहे हैं। अब जा रहे हैं वापस अपने घर और रास्ते में ही प्लान हो गया कहीं जाने का, तो अभी हम लोग निकलेंगे अचानक से ही। ऐसा कुछ हमारा जाने का नहीं था, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। तो बस अभी हम लोग पहले घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा बहुत मतलब पानी वानी पियेंगे, कुछ चीज़ें मुझे रखनी है वो सारी चीज़ें हम रखेंगे और सीधा फिर हम निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे इन्होंने बोला कि चलो मंदिर चलते हैं। हालांकि सैटरडे और ट्यूसडे को आते हैं हम लोग मंदिर, लेकिन बहुत दिन से आए नहीं थे और इसी रास्ते से निकल रहे थे। तो अभी हम लोग हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं, मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर, जहाँ हम लोग आते रहते हैं तो दर्शन करते हैं। आज मतलब अदर डे में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को तो इतनी भीड़ होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ज़बरदस्त होती है। तो बस अच्छे से दर्शन हो जाते हैं जब भीड़ नहीं होती है। तो देखो मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ, आप सभी बोलिए जय श्री राम और दर्शन कर लेते हैं। आप सब लोग भी दर्शन कर लो। और पूरे मंदिर में मैंने 5 परिक्रमा लगाई थी, मैं जब भी आती तो 5 परिक्रमा लगाती हूँ मैं हनुमान जी महाराज की। और यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पे अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। किसी दिन मैं आपको दर्शन कराऊंगी, शायद मैंने आपको कराया है कभी कभी, लेकिन वो देखो सामने आप देख सकते हैं ना, थोड़ा सा आपको देखा होगा, वहाँ पे अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। आप लोग भी जलवा सकते हो, ऐसे कुछ है शायद, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, पूछ के बताऊंगी आपको। अब हम लोग प्रसाद खा लिए और जा रहे हैं घर। तो चलो, और यहाँ पे होने वाली है रामलीला, क्योंकि नवरात्रों में यहाँ पे रामलीला होती है। फिर हमने रास्ते से नई वाली मूंगफली दिख गई तो हमने थोड़ी सी ले ली, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, फास्ट वगैरह रखेंगे और वैसे भी नई नई मूंगफली खाने में अच्छा लगता है इनको भून करके, तो बस थोड़ी सी हमने यहाँ पे पैक करा ली है। गाइस इवनिंग का समय हो रहा है, 7 बज चुके हैं। गाइस इवनिंग के 7 o'clock हो गए हैं, हम जस्ट अभी आए हैं, बाहर से काम से गए हुए थे और वहाँ से आने के बाद बस थोड़ा सा छोटी ठीक की है मैंने और कुछ नहीं, पानी वानी पिया, थोड़े से एक दो कपड़े डाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। शायद जब तक ये व्लॉग जाएंगे तब तक मैं वापस भी आ जाऊँगी, क्योंकि कल सैटरडे है फिर संडे है, तो सैटरडे संडे में शायद मैं व्लॉग ना डाल पाऊँ। तो चलते हैं, हम लोग अचानक से ही निकल रहे हैं अभी, हमें ऐसा पता नहीं था कि हम निकलेंगे। चलो चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।